नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। आज से लगभग 10 साल पहले एक दिव्या खोसला के निर्देशन में आई यारियां बहुत चली थी। फिल्म यूथ, कॉलेज, रोमांस और दोस्ती के इमोशन को समेटे हुई थी। वहीं दिव्या खोसला एक बार फिर इस स्टाइल के साथ तैयार है। हालांकि इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। पहला ये कि फिल्म को दिव्या डायरेक्ट नहीं कर रही है बल्कि इसमें एक्ट कर रही है, और दूसरा ट्विस्ट इसमें दोस्तों के बारे में नहीं बल्कि बहन भाई और उनकी यारियों के बारे में है। स्टोरी हम आपको बताते हैं कि शिमला की रहने वाली लाडली दिव्या बचपन से ब्यूटी क्वीन बनने का सपना देखती है। हालांकि उनकी सिंगल माँ लिलेट दुबे चाहती है कि वो अपना घर बसा ले और अरेंज मैरिज कर ले। शादी के बाद लाडली अपने पति यश गुप्ता के साथ में मुंबई शिफ्ट हो जाती है। यहाँ उनके दो कजिन बजरंग यानी कि पर्ल वीपुरी और शिखर रंधावा यानी कि मिजान जाफरी अपने अपने काम के सिलसिले में इसी शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। मुंबई में इनकी निजी जिंदगी में बहुत भयंकर बदलाव आते हैं। ऐसे में एक दूसरे की मदद करते हैं ये भाई बहन, और कैसे इनकी यारियां निभाते हैं इस पर ये पूरी कहानी है। अब डायरेक्शन की बात करें तो विनय सप्रू और राधिका राव ने इसको संभाला है। फिल्म की खासियत इसका फ्रेश कंटेंट है। दरअसल भाई बहन के रिश्तों को डेडिकेट करते हुए आसपास के सालों में ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी है। डायरेक्टर ने डायलॉग्स भी आज के दौर के यूथ और उनकी सिचुएशन को ध्यान में रखकर के बनाए हैं, जिससे दर्शकों की रियलिटेबिलिटी दिखती है। हालांकि इसमें स्क्रीन प्ले पे अगर थोड़ा और काम करते तो अच्छा होता, फिल्म का पक्ष और भी मजबूत हो सकता था। दरअसल फर्स्ट हाफ तक कहानी पूरी उलझी नजर आती है। अब जब सब कुछ अच्छा है तो थोड़ी कमी तो बनती है। चारों ट्रैक की बैक स्टोरी बनाने के चक्कर में पहला हिस्सा खिचड़ी बन जाता है। हालांकि सेकंड हाफ में फिल्म के उलझे धागे खुलते नजर आते हैं, ट्रैक पर कहानी चलती है और तमाम तरह के इमोशंस का बखूबी तरीके से दिखाया गया है। फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, कई बार कुछ सीन्स बिना वजह ठूसे गए हुए फील होते हैं। एडिटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत लगती है, किरदारों की ओवर एक्टिंग भी फील होती है। हालांकि टुकड़ों पर कई फिल्म बहुत अच्छी है, कुछ सीन्स बेहद इमोशनल है। कई बार फिल्म देखने वक्त महसूस होता है कि कोई एल्बम का वीडियो तो नहीं चल रहा। ये एक्सपेरिमेंट दर्शकों के लिए थोड़ा सा फ्रेश है। ओवरऑल फिल्म एंटरटेनिंग है, हर तरह के इमोशन से सराबोर है। फिल्म के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी एक्टर की परफॉर्मेंस ने चौंकाया है। दिव्या का काम बेहतरीन रहा, बतौर एक्ट्रेस दिव्या ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें ज्यादा काम करना चाहिए था। मिजान ने अपने बाइक रेसर किरदार को भी बहुत बखूबी निभाया है। मिजान में एक बड़े हीरो वाली क्वालिटीज हैं। कल को अगर मिजान नेशनल क्रश बन जाते हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। पल्लवी पुरी भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय करते नजर आते हैं, और सरप्राइज किया है यश दास गुप्ता ने। उनके ट्रैक को बहुत ही दिलचस्प तरीके से लिखा गया है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से उसे पूरा जस्टिफाई भी किया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।